आवश्यक वस्तुओं और कृषि पर 18 जुलाई से जो 5% जीएसटी रूपी कर लगाने का जीआर निकाला है, उसके विरोध में आज दोपहर 3 बजे नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वक्त चेंबर के पदाधिकारी, कार्यकारी सदस्य, व्यापारी सभी उपस्थित थे। इस प्रदर्शन में पुतले को जलाकर सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। जीएसटी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जीवनावश्यक वस्तुओं पर लगाई गई जीएसटी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नहीं चलेगी कांग्रेस साहिब, नहीं चलेगी। जुलूम बंद करो, बंद करो, जुलूम बंद करो। देखिए, आजाद हिंदुस्तान में कभी भी कृषि उपज के ऊपर कर लगा नहीं। पूरी कर प्रणाली ऐसी बनाई गई है कि कृषि को साइड में रखकर, और इसीलिए दूसरी जिंसों के ऊपर टैक्स की दर ज़्यादा है। 75वें साल में दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहली बार अब खुले कृषि इसके ऊपर भी प्री पैक के ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है। ये मामला सिर्फ गेहूं चावल का नहीं है, आज फल भी पैकेट में आ रहे, प्याज लहसुन आलू भी सब बोरों में आ रहे। ये शुरुआत है। इसका मतलब अब कृषि उपज के ऊपर सरकार की नज़र पड़ गई है। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है महंगाई है और इसकी ब्याज की दरें बढ़ाती है, और दूसरी तरफ सरकार कीमतें बढ़ा के महंगाई बढ़ा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसके आगे और जाएं तो कभी मार्केट में जब दाम बढ़ते हैं तो सरकारी दफ्तर, सरकारी महकमे के लोग बाज़ारों में आते हैं कि दाम कम करो। अब सरकार खुद दाम बढ़ा रही है तो इसके बारे में इनका क्या कहना है। ये जो इसको और मैं एक कदम आगे ले जाता हूँ, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल के ऊपर टैक्स लगता है। मेरे छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे फरसान वाले, फूड प्रोसेसिंग, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उसका कारण ये है कि ये बड़े लोगों के साथ टक्कर दे सके। अब क्या होगा कि फरसान वालों के भी रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लग गया तो ये लोग बड़ी कंपनियों के सामने अपना माल बेच नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मेरे जो स्वरोजगारी भाई हैं, इनका क्या होगा? एक तरफ किसान पीट रहा है, एक तरफ APMC के लोग पीट रहे हैं, और एक तरफ ये स्वरोजगारी है। पूरे देश में किराने की दुकान आपको वहाँ भी मिल जाएगी जहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है या पोस्ट ऑफिस नहीं है। आज वो दुकानदार भी किस प्रकार से GST का कंप्लायंस करेगा, ये सारे विषय हमारे सामने चुनौती भरे हैं। और इसके लिए हमारी सरकार से यही मांग है कि ये चीज़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप सोमवार से लगा रहे हैं, जो अनाज के व्यापारी है इनके पास GST नंबर नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अब ये कब नंबर लेंगे, माल कब बेचेंगे, बिल कैसे बनाएंगे? सोमवार को जो माल बेचेंगे उसका बिल कैसे बनेगा? पूरी स्थिति असंजमस की है, लोग परेशान हैं, और एक ही हमारी डिमांड है कि सबसे पहले इस कर को वापस लो। सबसे पहले जो आज हमारा ये विरोध हमने दर्शाया है, सांकेतिक दर्शाया है, क्योंकि किसी भी देश का, कोई डेवलप देश हो, डेवलपिंग कंट्री हो, अनडेवलप कंट्री हो, उसकी सबसे मूलभूत जरूरत रहती है रोटी, कपड़ा, मकान। तो सरकार ने ये कर लगा के जो हमारी थाली है उसको 5% से महंगा कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट 130 करोड़ जनता को आएगा। हमको पता है कि सरकार ये जो पैसा संग्रह करके हमारी उन्नति को लगाएंगे, लेकिन जब जनता ही खुश नहीं है इस कर को लगाकर, तो सरकार ने इसको इमीडिएट विड्रॉ करने को होना। 75 साल में कभी भी इस प्रकार का जीवन आवश्यक वस्तु या खाद्य पदार्थ पे कर नहीं लगा। जब भी 2017 में GST का गठन हुआ था तब ये कहा गया था कि जब जो वस्तु GST में एग्जेम्प्टेड है वो हमेशा एग्जेम्प्टेड रहेगी। तो GST में ये तभी भी अनाज, जो दूध, दही, ये सब एग्जेम्प्टेड था, तो उसको अभी भी एग्जेम्प्टेड रखना चाहिए। हमने इसको नहीं जलाया, हम GST के पक्षधार है। हमने GST जो अनाज पे लगा है इसको जलाया। सरकार ने जब GST 2017 में लगाया था तो पहले महीने में 59 हज़ार करोड़ का कलेक्शन करा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हम सब व्यापारियों ने इतना संग्रह कर करके सरकार को टैक्स दिया कि आज पिछले महीने में 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। तो सरकार ऑलरेडी मोर देन 2 टाइम्स है, तो सरकार ने ये टैक्स अभी नहीं लगाने को होना। भूमिका जो हमारी नेशनल बॉडी कैट है वो जो हमको गाइड करेंगे, हम उस हिसाब से आगे का
काम करेंगे। कल छुट्टी का जो कैट तय करेगा और जो सब व्यापारी भाइयों की मंशा रहेगी उस तरीके से हम बैठ के बात करेंगे। सरकार मेरे को लगता है बड़ी संवेदनशील है, जो हमारा दर्द है ये वहाँ तक पहुँचा है। जैसे आदरणीय भरते जी ने आपको बताया कि हो सकता है किन लोगों ने सरकार को गुमराह करके ये टैक्स लगवा दिया, लेकिन सरकार को जब पता चलेगा इससे होने वाली तकलीफें क्या है तो सरकार इसको जरूर विड्रॉ करेगी। GST चा हर महीने 1.5 लाख कोटी चा कलेक्शन आहे, इतकं जास्ती कलेक्शन आहे का दर महिने ते आपलंच रिकॉर्ड तोडत आहे। आणखी ह्या सिच्युएशनमध्ये पण आता जो अनाजमध्ये या लोकांनी टॅक्स लावले आहे त्यांचा आम्ही निषेध करत आहो। हे जो टॅक्स लागले आहे ते कॉर्पोरेट कंपनीसाठी बरं आहे, पण जितके पण खाद्य आणखी व्यापारी आहे, लहान व्यापारी आहे, त्यांच्यासाठी हा टॅक्स एकदम खराब आहे। आणखे कोविडच्या नंतर आम्हाला जो आर्थिक सुविधा दिली पाहिजे हे तर आम्हाला एक दंडा मारला आहे, त्याच्यामध्ये आमचा व्यापार खराब होणार आहे। तर आम्हाला सरकारची एक विनंती आहे का हे ज्या तुम्ही टॅक्स लावलेले आहे वापस घ्या। आणखी इम्पॉर्टंट आणखी जरुरी सामान जो आहे अनाज त्याच्यावर टॅक्स नाही लागला पाहिजे, हे आमची विनंती आहे सरकारला। धन्यवाद। आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।